हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा नथिंग वन फ़ोन है, तो नथिंग वन फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में पावर बटन की प्रॉब्लम है, तो पावर बटन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं नथिंग वन फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व करके कैसे आप फ़ोन को ऑटो रिस्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि नथिंग फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कर सकते हैं और ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि फ़ोन के आइकन से शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन से ओपन हो जाएंगे। फिर आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। फिर आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, देख सकते हैं ऑप्शन आ जाएगा आपके फ़ोन में एक्सेसिबिलिटी। तो एक्सेसिबिलिटी पे जाना है, जहाँ से एक्सेसिबिलिटी मेन्यू पे जाएंगे, इस पर ऑन कर देना और इसके ज़रिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली यहाँ से आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आपको इस पर जाना है, उसके ज़रिए आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नथिंग वन फ़ोन में, और इसका यूज़ भी कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि रीस्टार्ट ऑप्शन से इमरजेंसी कॉल एंड पावर ऑफ करना चाहें कर सकते हैं, एंड स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और ऑटो रीस्टार्ट के लिए इस पर टैप करते हैं तो आपकी ऑटो रीस्टार्ट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। जैसे इस तरीके से टैप करते हैं तो आप इसका यूज़ कर पाएंगे, जैसे हमने स्क्रीनशॉट ले लिया है। तो इस तरीके से आप पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और ऑप्शन आ जाते हैं ब्राइटनेस, इसके ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, वॉल्यूम अप डाउन भी कर सकते हैं, इस तरीके से ब्राइटनेस को लो भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से पावर बटन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं नथिंग वन फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें, वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो